बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे चार अहम केसेस के हवाले से। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नाहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बड़ी अहम समात हुई, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुफ्ती अजीज़ रहमान के तीनों बेटों की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हद के इज़्ज़त का जो दावा था उस पर समात हुई है, वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा मुख्तसर। और अहम जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, और आज पहले दिन ही उन्होंने जो बड़े फैसले किए हैं और बड़े बड़े जो वहाँ पर बैठे थे जो साबका चीफ जस्टिस साहब के लगाए हुए थे, उनको आज उनकी पहले दिन में उनकी छुट्टी करवाई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है लीगी माफिया के लिए, और कैसे लाहौर हाईकोर्ट से अब लाहौर हाईकोर्ट बनने जा रहा है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ नाहली की दरख्वास्त। आप जानते हैं कि जब वो बतौर सेनेटर इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एक तो मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कहता हूं तो उसकी वजह ये है कि ये जो 4P जमात है ये उसके कैंडिडेट थे, ये 3P जो जुल्फकार भुट्टो वाली जमात है ये उसके या बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात के कैंडिडेट नहीं थे। 3P का पूरे पाकिस्तान में ना कोई सेनेटर है, ना कोई MP है, ना ही कोई MNA है। जितने के जितने जो मेंबर्स ऑफ असम्बलीज़ हैं वो सारे के सारे, चाहे वो मेंबर ऑफ असम्बली सिंध असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, वो सारे के सारे 4P जिनके हेड आसिफ जरदारी हैं, और आसिफ जरदारी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, और बिलावल जरदारी तो खिलौना बने हुए हैं आसिफ जरदारी के हाथों। इसके अलावा बिलावल जरदारी की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही, अब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जो अपोजिशन में भी बैठी है और जिनकी सिंध में हुकूमत भी है, जिनके वज़ीर आला भी हैं और जिनके सेनेटर्स भी हैं, उनके ये उम्मीदवार थे, उस जमात के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी। और एक दिन पहले इनकी वीडियोस सामने आ गई थी इनके बेटों की, जब ये वोट ज़ाय करने का बता रहे थे। इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फाइल की गई थी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत फरह हबीब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने ये दरख्वास्त फाइल की थी, और उनका ये कहना था कि इन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके से वोट को ज़ाय करने का या वोट ख़रीदने का मामला है, तो ना सिर्फ ये नायल होंगे बल्कि इनको सज़ा होनी चाहिए। उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके बेटे के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें फाइल की गई थी, और उन दरख्वास्तों में ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने 2 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाद में सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये हमें कहा जा रहा था, हमें मिसगाइड किया जा रहा था या हमें इंस्टिगेट किया जा रहा था कि हम इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ना लें या हिस्सा लें तो वो वोट ज़ाय करें, और जब वो लोग सामने आए थे तो फिर कार्रवाई शुरू हो गई थी, और उन दोनों जो मेंबरान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन दोनों से भी एक कैप्टन रिटायर्ड जमील है और एक फ़हीम खान है, दोनों से जवाब तलब किया था। आज उन दोनों की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है, और इलेक्शन कमीशन में ये जवाब जमा हुआ है। मेंबर अरशाद कैसर ने कहा है कि जवाब नामा पर फ्रीकैन के दस्तखत नहीं हैं, और जो सिंपल रिप्लाई है वो काबिल कबूल नहीं है जब तक फ्रीकैन अपने दस्तखत नहीं करेंगे। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट पर अगर उस पार्टी का या उस फ्रीक का के सिग्नेचर नहीं होते तो फिर यही कंसिडर किया जाता है के जो उसकी वेरिफिकेशन करवा ली जाए। उसकी वेरिफिकेशन के लिए फिर जो उसमें फ्रीक होता है उसको तलब किया जाता है, जो मुतलका आदमी होता है उसको तलब किया जाता है, और तलब करके फिर सारे मामले को देखा जाता है कि आया ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं ये इस फ्रीक की तरफ से जमा हुए हैं या नहीं हुए। तो अदालत में आज कुछ ऐसा ही हुआ, और अदालत इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हम इस सारे के सारे मामले पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मामले पर फैसला दें, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब 60 दिन के अंदर अंदर किसी भी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है, तो यहाँ 60 दिन गुजर गए, अब तो ये दरख्वास्त वैसे ही इनफ्रक्चुअस हो गई है। जिस पर जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के इरशाद कैसर, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मामला नहली का नहीं है, यहाँ एक क्रिमिनल जो ऑफेंस हुआ है उसका भी मामला है, और फौजदारी एक जुर्म किया गया है, एक जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस पर भी देखा जाना है, उस पर भी इंक्वायरी होगी। इस वजह से ये जो आप बात करें कि अब नहली की दरख्वास्त ख़त्म हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और है, और दोनों जो MNAs हैं उनको तलब किया है कि वो आएँ और ताकि ये तस्दीक हो सके, और इस तस्दीक के बाद
फिर अदालत ने कहा, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान बैठे थे, उन्होंने कहा कि फिर इस मामले पर हम फाइनल बहस सुनेंगे और इस मामले को हम फाइनली डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 174 के तहत ये सारी की सारी कार्रवाई होने जा रही है और उसमें उनके ख़िलाफ़ उनको सज़ा भी हो सकती है। फिर जो मामला है मुफ्ती अज़ीज़ के दो तीन बेटों की दरख्वास्त ज़मानत पर, पहले फ़ैसला महफूज किया गया था लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर, फिर आगे तारीख मुकर्रर कर दी गई थी 6 जुलाई की। आज 6 जुलाई को उसके ऊपर समाअत होनी थी लेकिन समाअत ना हो सकी। अब दोबारा कल के लिए 7 जुलाई के लिए अज़ीज़ रहमान के तीनों बेटों की दरख्वास्त ज़मानतों पर जो सेशन अदालत है उसने दलाइल तलब कर लिए हैं दोनों फरीकैन से, प्रोसिक्यूशन से भी, मुदई के वकील से भी और मुलजमान के वकला से भी। और क्योंकि मुफ्ती अज़ीज़ रहमान के हवाले से वीडियो सामने आ चुकी है, उसकी तस्दीक हो चुकी है और उस तस्दीक में ये बात वाज़े हो गई है कि ये वीडियो ओरिजिनल है और उस फ्रांसिक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसमें कोई एडिट नहीं हुआ और दोनों विक्टिम भी यही है और मुलजम भी यही हैं। और उसके बाद इनका जो क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मामला है और मुफ्ती अज़ीज़ रहमान के ख़िलाफ़ जो जिस तरह मुकद्दस किताबों की बेहरमती का केस हुआ है और तौहीन का केस हुआ है और दफात शामिल की गई हैं, वो बहुत अहम है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ऑनरेबल जज हैं वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ज़मानत मंजूर करनी है या ख़ारिज करनी है, और इस मामले पर वो जो दोबारा कल के लिए इस केस की समाअत को मुकर्रर किया गया है। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हद की इज़्ज़त का जो दावा था उस पर आज समाअत हुई, क्योंकि आज हड़ताल एक स्ट्राइक चल रही है। वो फैसलाबाद में जो सिविल जज और वकला के दरमियान लड़ाई थी उस पर अभी तक स्ट्राइक चल रही हैं। जो बार के नुमाइंदे हैं ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जाते हैं, ये जाने वाले जज को इशारिया भी देते हैं, उनको उनके लिए ये बड़े लेवल के प्रोग्राम्स भी मुनक्कद करते हैं, और साथ छोटी अदालतों में ये हाई कोर्ट में रोज़ केसेस पर समाअत होती है, सारी कार्रवाई हो रही है लेकिन छोटी अदालतों में ये स्ट्राइक करते हैं और ये इनका एक ऐसा ड्रामा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। इस वजह से शहबाज शरीफ का जो केस था इमरान खान के ख़िलाफ़ 16 जुलाई के लिए अदालत ने उसको मुलतवी किया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, जिनका नाम जब आता है तो लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं या जो ऑनरेबल जजेस को जानते हैं, तो अमीर भट्टी साहब एक दबंग और बड़े सख्त मिजाज जज हैं और वो क्रिमिनल लॉ पर भी उनको अभी अबूर है, सिविल लॉ पर भी अबूर है, और वो बड़े ही उनके जो फैसले हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं और उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। आज बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट उन्होंने हलफ उठाया है, गवर्नर हाउस में तकरीब हुई है, गवर्नर पंजाब ने उनसे हलफ लिया है, वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे, बाकी सीनियर वकला जजेस और जो सीनियर अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी के वो भी उस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। फिर उनको प्रोटोकॉल के साथ लाहौर हाईकोर्ट में लाया गया और लाहौर हाईकोर्ट में भी तकरीब थी, उससे भी उन्होंने खिताब किया। अब जब आज पहला हुक्म जारी किया और पहला हुक्म जब जारी किया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से, और ये इंतज़ामी हुक्म था, उसमें ओहदा संभालते जो पहला हुक्म उनकी तरफ से था वो था जो रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट है उनकी छुट्टी करवाई गई है। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से पहले भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करते रहे हैं और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो केसेस थे और जिस तरीके से उनके धड़ाधड़ केसेस लगते थे और जैसे जिन बेंचों में वो चाहते थे वहाँ केसेस लगते थे, और रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा एक किरदार होता है। और मुझे याद है मैं एक हमारे दोस्त हैं डिप्टी अटर्नी जनरल, उनके ऑफिस में बैठा था और नवाज शरीफ के हक में जो बयान हल्फी 50 रुपए वाले बयान हल्फी का मामला था और जो लाहौर हाईकोर्ट ने उनको हुक्म जो उनको इजाज़त दी थी बाहर जाने की, उस केस में जो मुसद्दका नकूल हैं उस ऑर्डर की, उस पिटीशन की, वो अप्लाई की थी डिप्टी अटर्नी जनरल के ऑफिस ने, और वो बता रहे थे कि 20 दिन हो गए अभी तक कॉपी नहीं दी, और उस पर फिर डिप्टी अटर्नी जनरल ने कहा था कि जाएं और रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट से कहें कि वो किस मकसद के लिए वो फाइलें दबा कर बैठे हैं और वो फाइलों को हाथ नहीं लगाने देते थे, मैंने खुद कई दफ़ा अप्लाई की हैं ये कॉपीज़, तो वो कहते हैं जी कि रजिस्ट्रार साहब की इजाज़त नहीं है। तो उस रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट की छुट्टी करवाई है, आते ही पहला दिन था वर्किंग डे और उसमें जो रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट थे उनको ओहदे से फारिग किया गया, उनका नाम मलिक मुश्ताक अहमद ओजला उनको तब्दील किया गया है और उनको अब सेशन जज कसूर बना दिया गया है, और उनकी जगह पर जो नए रजिस्ट्रार जिनको ओहदा दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इरफान अहमद सईद,
इरफान अहमद सईद को अब रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद अरशद को डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यार अहमद विलाना को पर्सनल स्टाफ अफसर बराए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। ये आज के दिन जितने बड़े इंतजामी अहदे थे लाहौर हाई कोर्ट के, जो कासम खान साहब के लगाए हुए थे और जो वन साइडेड थे, जिनकी अपनी एक अप्रोच थी, जो ऑनरेबल साबका चीफ जस्टिस की अप्रोच थी, वही अप्रोच उन इंतजामी अहदेदारान की थी, और वह ख़ास जो नज़रिया के लोग थे और वो ख़ास एक पॉलिटिकल जो एक माफिया है उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, तो उनको सबको उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पर न्यूट्रल जो लोग हैं उनको लाया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो नए चीफ जस्टिस जिसने आज हलफ उठाया है, उन्होंने आज जो दबंग फैसले किए हैं, अगर इसी तरीक़ा से वो दबंग फैसले करते रहे तो ये जो एक धब्बा लग गया था लाहौर हाई कोर्ट का एक इतने बड़े इदारे पर, अब इंशाल्लाह वो लाहौर हाई कोर्ट दोबारा लाहौर हाई कोर्ट बनेगा और लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और वो इंसाफ के लिए दुनिया में पहचाना जाएगा और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं खड़ी करेगा और वो सिर्फ आम आदमी की बात करेंगे और वो आम आदमी और आइन पाकिस्तान के मुताबिक जिसको जो हकूक दिए गए हैं उन हकूक का तहफ़ करेंगे, पासदारी करेंगे। आगे क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का आमी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।